धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। भारत देश में हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव धनाना। जी हां, धन्य है इस गांव की भूमि, धन्य है ये नगरी और धन्य है यह देश, जहां आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व 8 सितंबर 1951 को एक ऐसे महान संत, समाज सुधारक, परमेश्वर स्वरूप, बंदी छोड़ जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ। संत रामपाल जी का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद संत जी हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए, जिसके बाद 1988 को 37 वर्ष की आयु में संत रामपाल जी की मुलाकात परम पूज्य कबीर पंथी संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुई, जिनसे गुरु दीक्षा लेकर संत रामपाल जी ने तन मन से सक्रिय होकर गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमेश्वर का साक्षात्कार किया, जिसके कुछ वर्ष बाद परम पूज्य संत स्वामी रामदेवानंद जी ने सन 1993 में सत्संग तथा 1994 में दीक्षा देने की आज्ञा संत रामपाल महाराज जी को दी और कहा कि रामपाल, पूरे विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। कहते हैं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। साल भर बाद ही पाठों की संख्या और संगत के अधिक बढ़ने के कारण भक्ति मार्ग में लीन होकर सन 1995 में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा इस जन कल्याण व परोपकारी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया और सन 1999 में गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौंथा की स्थापना की, जहां दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे और तत्व ज्ञान को समझकर बहु संख्या में अनुयायी भी बनने लगे। चंद ही दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गए, परंतु साथ साथ अज्ञानी संतों का विरोध भी बढ़ता गया। कारण था धर्म के नकली ठेकेदारों की दुकानों का बंद होना। संत रामपाल जी सन 2003 से पुस्तकों, अखबारों व टीवी चैनल्स आदि के माध्यम से अन्य अज्ञानी संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्यों के ज्ञान को सदग्रंथों से तोलकर भगत समाज को दिखा रहे हैं और नकली धर्म के ठेकेदारों से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, अर्थात आप भक्त समाज से शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। संत रामपाल जी ने यह भी कहा है कि यदि मैं गलत हूँ तो इसका जवाब दो, परंतु आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जिस वजह से उन नकली संतों, महंतों, आचार्यों से पीछा छुड़ा श्रद्धालु संत रामपाल जी की शरण में आकर शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति करने लगे, जिसे अन्य नकली धर्म गुरु सहन न कर सके और अपनी दुकानें बंद होता देख धर्म के ठेकेदारों ने सन 2006 में, 2013 में और फिर सन 2014 में सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आज नहीं, परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी का कारमा आज भी वैसे ही चल रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया इस तत्व ज्ञान को समझकर शास्त्रानुकूल साधना करेगी, तब इन नकली धर्म के ठेकेदारों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसा गोला तोब का करता चले मैदान। यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य किसी भी संत, महंत, ऋषियों का ज्ञान टिक ही नहीं पाएगा। जैसे तोब का गोला जहां भी गिरता है, वहां चाहे कितना ही बड़ा किला क्यों न हो, सबको ढाकर मैदान कर देता है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए जाने वाले तत्व ज्ञान से अध्यात्म मार्ग में फैले पाखंडवाद, अंधविश्वास के साथ साथ समाज में फैली दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, छुआछूत
नशा आदि बुराइयों से मुक्त एक स्वच्छ व सभ्य समाज का निर्माण भी हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब सर्व अज्ञानी, धर्मगुरु, संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश हो जाएंगे। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी, मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सभी सतलोक जाएंगे। स्वर्ग युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं और सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के हम समस्त अनुयायी आप सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने और उनसे नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बने, अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दांव।